नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप पांडव, साइकेट्रिस्ट, सोच हॉस्पिटल सूरत। विश्व मानसिक आरोग्य सप्ताह 2020 में जो थीम है, एन अपील टू केयर गिवर टू इन्वेस्ट मोर इन मेंटल हेल्थ संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप टॉपिक पे थोड़ी बात करना चाहूँगा। जैसे हम सुनते आए हैं और हमने खुद भी अनुभूति की है कि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। तो जब इंसान मानसिक तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, सोच में होता है, तब वो अपने मन की बात अपने परिवारजनों को, संबंधी को, मित्रों को कहना चाहता है। लेकिन आज के समय जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परिवार दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, लोगों को खुद के लिए समय नहीं मिलता, तो अपने फ्रेंड के लिए, संबंधी के लिए समय निकालना लगभग नामुमकिन है। इस समय मुझे अपने टीचर की बात याद आती है, जो कहते थे कि भविष्य में ऐसे काम चालू होंगे, ऐसी दुकानें खुली होंगी जिस पे बोर्ड लिखा होगा कि अगर आपको रोना है तो कंधा भाड़े पे मिलेगा, जिसका एक घंटे का चार्ज 500 रुपया से लेकर 10,000 रुपये भी होगा, और लोग इसके लिए वेटिंग में भी खड़े होंगे क्योंकि वो अपने मन की बात, मन की भावनाएं कहना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस दौरान, इस संदर्भ में हम दूसरी भी बात करते हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलियन नर्स थी ब्रॉनी वेयर, जो ऐसे वार्ड में काम करती थी कि जहाँ पे लोग अपने आखिरी दिन पसार करते थे, मतलब उनके बचने की संभावना बहुत कम है। इस दौरान उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, सर्वे किया कि लोग जब आखिरी दिन गिनते होते हैं तब उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या पछतावा होता है, क्या अफसोस रहता है। तो उसमें एक बात उभर के आई कि लोगों को ये बात का अफसोस हमेशा रहा कि वो हमेशा काम काम और काम ही करते रहे, अपने परिवारजनों को, मित्रों को, इतना बच्चों को इतना समय नहीं दे पाए, उनकी भावना समझ नहीं पाए और उनके प्रति अपनी जो फीलिंग्स थी वो व्यक्त नहीं कर पाए। तो हमें आखिरी समय में अफसोस ना करना पड़े, इसलिए अभी से परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्तों को टच में रहने की कोशिश कीजिए, वो दोस्त जो शायद हमें हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, और उनको फ़ोन कीजिए, हो सके तो उनको खुद मिलिए भी। और हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो जीवन हम जीने आए हैं वो हम आनंद से जिए, जिसमें रिश्ते, रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बजते हैं। तो हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवारजनों, फ्रेंड्स, मित्रों के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट अपनी रिलेशनशिप में करना चाहिए, रिश्तों में करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय में जब हमें डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब समस्याएं जब होती है, तब शायद पैसा, प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, लेकिन यही मजबूत रिश्ते हमें बहुत काम आएंगे और जीवन रक्षक साबित होंगे। आभार।